काल भी तुम, महाकाल भी तुम, लोक भी तुम, त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। जय श्री महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के जंगलों में बना हुआ है। मध्य भारत के मुख्य धार्मिक स्थलों में से ये एक है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई बहुत सी किंवदंतियां हमें इतिहास में सुनाई देती है। तो आइए श्रावण सोमवार के इस पर्व पर जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित ये महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत का तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्रसागर झील के समीप बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ की प्रजा भी महादेव को पूजती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दुष्यंत भी था, जो कभी भी अदृश्य हो सकता था। उस राक्षस ने वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहाँ की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहाँ की प्रजा की रक्षा की। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय लिया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकाल मंदिर की भस्मा आरती न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। भगवान शिव के श्रृंगार के तौर पर होने वाली इस आरती से जुड़े कई नियम भी है।